हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब गर्मियों में आराम से जाएं घूमने। रेलवे ने लंबी दूरी की 21 ट्रेनों में बढ़ाए 27 डिब्बे। गर्मियों की छुट्टियां आते ही ट्रेनों में रिजर्वेशन का जबरदस्त दबाव देखा जाता है। यात्रियों की संख्या में 2 गुना से ज्यादा इजाफा होता है। इसके तत्काल समाधान के लिए रेलवे ने स्पेशल अस्थायी ट्रेनों का संचालन शुरू किया था, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हुए। लिहाजा उत्तर पश्चिम रेलवे ने अब स्थायी तौर पर 21 ट्रेनों में 27 डिब्बों की बढ़ोतरी एक साथ की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से यात्रियों का सफर आसान हो सकेगा। ये डिब्बे ऐसी ट्रेनों में जोड़े गए हैं जो कि धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों वाले शहरों से जुड़े हुए हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। इन छुट्टियों में अक्सर लोग बच्चों के साथ घूमने फिरने निकलते हैं। इन छुट्टियों का सबसे ज्यादा दबाव रेलवे पर आता है, क्योंकि ज्यादातर परिवार बच्चों की छुट्टियां होने का इंतजार करते हैं और साल भर की थकान मिटाने के लिए वो ऐसे हिल स्टेशन या ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और आरामदायक साधन होता है ट्रेन। छुट्टियां शुरू होते ही लोग रेलवे की वेबसाइट पर रिजर्वेशन के लिए टिकट खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की लंबी कतार देखकर मायूस हो जाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक साथ 21 ट्रेनों में 27 डिब्बे स्थायी तौर पर बढ़ा दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जून महीने के पहले ही सप्ताह से ऐसी तमाम ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं जहां रिजर्वेशन की सबसे ज्यादा मारामारी है। इसके लिए सबसे पहले ऐसी ट्रेनों का चुनाव किया गया है जिनमें यात्री नियमित तौर पर सफर कर रहे हैं। उसके बाद ऐसी 21 ट्रेनों का चयन किया गया जिनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा सके। इन 21 महत्वपूर्ण रूट में उदयपुर, न्यू जलपाईगुड़ी, शालीमार, बांदा टर्मिनस, अजमेर, कामाख्या, मदार, कोलकाता, गोमती नगर, इंदौर, बाड़मेर, यशवंतपुर, कोलकाता, नांदेड़, श्रीगंगानगर, भिवानी, कानपुर, दिल्ली सराय और आगरा फोर्ट शामिल है। इन सभी महत्वपूर्ण रूट्स पर धार्मिक और रमणीक स्थल दोनों शामिल है, लिहाजा अब 27 अतिरिक्त डिब्बे जुड़ जाने की वजह से यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही कुछ और रूट्स की भी स्टडी जारी है जिन पर स्थायी तौर पर डिब्बों की बढ़ोतरी की संभावना है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।